इतना पिक्चर लगा हुआ है अभी भी, पूरा गुवाहाटी दिख रहा है राइट में। ये देखो फ्री के खाने की लाइन, बकरियों का सर दिख रहा है। आई हैड नो आइडिया कि ये यहाँ पर ऐसे कुछ होने वाला है। इनकी बलि नहीं दी है। कामाख्या माता ब्लीड, मतलब उनको, मतलब जिस चीज का मैं एडवोकेट नहीं हूँ वो नहीं हूँ, पढ़े लिखे लोग जब ऐसे करते हैं ना। महंगा वाला ड्राइवर हम लोग ने आज बुक किया है, ओला ऊबर देखो महंगी वाली है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल राइड अ गर्ल विशाखा। आज की मॉर्निंग वो 5 बजे हो गई थी, एडिटिंग वेडिटिंग मैंने निपटा लिया, व्लॉग भी डाल दिया, मिनी व्लॉग भी मैंने शुरू किया है वैसे एडिट करने का, वो काम पूरा सही से हो गया है। कल रात को ना मैंने कपड़े सुखा के मैंने धोकर रेडी कर दिए है, एंड जो होटल में मैं रुकी थी होटल से मैंने चेकआउट करके आई कम टू अ न्यू होटल। ये होटल का नाम है कैसलटन, कैसलटन मेंशन, इट्स लाइक अ होम स्टे। ये मेरा रूम है। सामान वापस पूरा इधर का उधर हम लोग ने कर दिया। होता क्या है ना, हम लोग जब बाइक राइड पर निकलते हैं ना तब घर लेके निकलते हैं हम लोग, एंड इमेजिन आपको आपको घर रोज चेंज करना है, रोज सामान लगाना है, रोज सामान निकालना भी है, एंड उस चीज के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इतना ही नहीं, उसके साथ आपको और भी काम करना पड़ता है। तो ये फिलहाल ऐसे ही रखने वाले, चेकआउट तो मैं कल करूंगी यहाँ से। बट उस रूम ये जो भी है बाथरूम देखो, यहाँ पर नाच नाच के नहा सकते हैं। ऐसा ही हेड शावर मैंने ले लिया है, गीजर का उपयोग मैं नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही थी, लाइट चली गई थी, एसी भी नहीं, ड्रायर भी नहीं, कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया, ऐसी ठंडे पानी से नहाया, अभी तक बाल गिर लिया, ऐसी बाइक पर बैठने वाली हूँ मैं। रूम को लॉक कर दिया, दिस इज द आउटर स्पेस, मेरा रूम जो फर्स्ट फ्लोर पर था, अभी अपने को नीचे जाने का है। इट्स सो गुड, काफ़ी इंस्टाग्राम वाली प्रॉपर्टी है। वो नहीं कि मैं फैमिली के साथ जाती हूँ और एक विला बुक करती हूँ एंड देन उसमें अलग अलग रूम्स होते हैं, तो सेम लाइक दिस, बट यहाँ पर पूरा विला यू कैन ऑल्सो रेंट इट आउट, हायर कर सकते दिन के लिए एंड रूम वाइज भी रह सकते हैं। एंड निकल के हेलो दैट्स आकाश, ये रही पिंकी, हम लोग तीनों मिलकर जा रहे हैं आज कामाख्या मंदिर। और कहीं जाने का प्लान है? हम लोग का घर पे लंच के लिए, लंच डिनर एक साथ करने वाले हैं हम लोग, तो मंदिर जाने वाले। देखो रुद्र के लिए भी पार्किंग की काफ़ी अच्छी स्पेस है एंड दिस एवरीथिंग इज गेटेड। कॉमेडी ही हो गया कि मैं हेलमेट भूल गई हूँ यहाँ पर, आकाश अभी लाने गया। ओके ये बैठ गए अपन बाइक पे। कन्हैया अप्पा मौर्य, हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। ये फ्लोर स्लिपरी होता है ना, एक मिनट एक मिनट था भी गेम था। ओके लेट्स गो, आज राइडिंग गियर्स वर्स पहनने की जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं पहना। आज हम लोग कर रहे हैं गुवाहाटी सिटी टूर एंड सबसे इम्पॉर्टेंट नॉर्थ ईस्ट की एक्चुअल राइड स्टार्ट करने के पहले अपने को करना था माता के दर्शन, कामाख्या माता इट इज। तो चल लिए। जो पिंकी है वो विकास की वाइफ है, आकाश है वो विकास का भाई है, ये लोग मेरे साथ आ रहे हैं एंड हम लोग सब साथ में दर्शन करने वाले। ऐसे वैसे दर्शन नहीं होने वाले भाई, बहुत ही स्पेशल वाले दर्शन होने वाले हैं। एंड कुछ भी लिया नहीं है, मेरी बाइक इतनी लाइट लग रही है, इतनी हल्की लग रही है, रुद्रा विल बी एक्चुअली थैंकिंग मी। यहाँ से कामाख्या मंदिर कुछ 15 किलोमीटर है एंड इट इज शोइंग अराउंड 40 मिनट्स, 40 मिनट दूरी पे होटल शूलिन ग्रैंड के सामने ही अपन रुके थे। पेट्रोल तो वैसे है तो पेट्रोल भरवाने की जरूरत नहीं है मुझे, आने के टाइम पे टॉप अप कर लूँगी तो इजी हो जाएगा और कल के लिए। सिटी एक्सप्लोर, अच्छा लग रहा है यार, वाह घूम घूम के अच्छा लग रहा है। थोड़ा हवा लगती है ना तो मजबूत लगता है, ऊपर से गीले बाल है ना तो और भी मजा आ रही है। वैसे अच्छी चीज़ नहीं है कि गीले बाल हेलमेट में रखना चाहिए, पहनना चाहिए, सुखा के रखना चाहिए। अरे बट क्या से ड्रायर इच नहीं चल रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं तेरी। हेलो असम, नमस्कार। यहाँ के बोर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, गणेश गुरी स्ट्रेट बेलटोला लेफ्ट हाथीगांव लेफ्ट काला गुरु विष्णु प्रसाद राभा फ्लाईओवर। बाय द वे बताए यहाँ पर ना बिहू फेस्टिवल चल रहा है, पूरे महीने चल रहा है बिहू फेस्टिवल, मस्त वाला। देखते हैं अगर एक्सप्लोर करने का मौका मिला तो अपन एक्सप्लोर करेंगे। मैकडॉनल्ड्स, अरे तुम लोग को पता है यहाँ पर ना बाटा का शोरूम है और वो बाटा के शोरूम में ना अपना पिक्चर लगा हुआ है अभी भी, उन्होंने निकाला हुआ नहीं, इतना बड़ा हुआ पिक्चर लगा हुआ था, कल देखा था हम लोग ने वो। या तो मुंबई सिटी हो या गुवाहाटी हो, ट्रैफिक तो उतना ही है। मुझे ऐसा लगता था कि भाई मुंबई में इतना ज्यादा ट्रैफिक है बट गुवाहाटी में भी सेम ही सीन है, इसलिए ना परसों के दिन पे हम लोग आउटस्कर्ट्स में रुके थे। एंड तुम लोग को पता है कल मैं चेन्नई से रिटर्न आई थी एंड बीच में कुछ काम के लिए मैं चेन्नई गई थी 2 दिन के लिए, एक दिन जाने का वहाँ पर, दूसरे दिन काम था, सेम डे रिटर्न फ्लाइट लेके मैं वापस आ गई थी यहाँ पर एंड फिर चेकआउट करके होटल ये जगह पर रुक गए थे। ये जो रोड है ये रोड का नाम है फ्रीडम फाइटर रोड। हवा लगा, थोड़ा हल्का सा रेस देते ना तो हवा लगता है एंड देन बहुत अच्छा लगता है फिर।
मेरे को ना अभी ये इधर से दूर भागना है, पहाड़ों पे भागना है. नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ इज व्हाट आई वांट टू डू, इज वेयर आई वांट टू राइड. ये मत मत अंकल, कोशिश भी मत करना मेरे बीच में आने की. मैं ब्रेक मारने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ अभी. पूरा ऑरेंज दिखा रहा है भाई, मंदिर तक का ऑरेंज है. जो कामाख्या मंदिर है इज वन ऑफ द शक्ति पीठ एंड वो बहुत पावरफुल वाली माता है. वैसे सारी माताएं पावरफुल होती है, अपनी माता हो या भगवान माता हो, माता माता होती है. बट यहाँ पर आया माता के दर्शन नहीं किया तो हो ही नहीं सकता है. मेरे को चाहिए कि अपनी जो राइड है वो सही से होए एंड आशीर्वाद ले अपन माता का. सामने एक ना हिल टाइप कुछ दिख रहा है एंड उसके ऊपर एक मंदिर दिख रही है. वही तो नहीं, वो ऊपर सूअर नहीं है, सूअर लगता है. मेरा टिकली जो मैं माथे पे लगाती वो हाथ पे लग गई. ओयो नहीं, उधर तो है, हाथ पे भी एक्स्ट्रा है. सारे कैमरास मैं वापस फिट कर रही हूँ, कल एक्चुअली बारिश आ गई थी ना इसलिए मैंने निकाल दिया. वो क्यों नहीं रहे भाई, गोल गोल घूम सही से. अभी ये वाला कैमरा यार देख, मेरा सामने वाला ना वो टूट गया है ना, अभी वो हो नहीं रहा है, ठीक हो नहीं रहा है एंड लटक रहा है कैमरा. तो इस बेटर मैं इसको हटा देती हूँ एंड जेब में रख देते हैं इसको. यप, कितने बार बंद चालू करना पड़ रहा है अपने को कैमरा. ओ माय गॉड, आई टेल यू, पसीना देखो पूरा. इतना सा डिस्टेंस चलाने कोई कितना बड़ा त्रास है पता है, गर्मी में. अभी ये वाला कैमरा सीधा जाएगा अंदर. ज्यादा डिस्टेंस नहीं है अभी, बस बता रहा है कुछ 12 मिनट ही है, अराउंड 4.8 किलोमीटर ही है. वैसे ये माउंट का कुछ करना पड़ेगा, विल हैव टू टेक अ न्यू माउंट. बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास इनसे 360 है, इनसे 360 भी माउंट कर दिया है. तुम लोग ये वाले शॉट एंजॉय करो. गेट में एंट्री कर लिया है. नाइस, हम जा रहे हैं कामाख्या मंदिर, मजा आने वाली है. टू मच फन. हाँ, ये रास्ता देखो कैसे ऐसे गोल 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 करके ऊपर है. जो दूर से दिख रहा था ना अपने को, मैं बोल रही तुम लोगों को, वो पहाड़ दिख रहा है मुझे, एक हिल दिख रहा है, ऊपर कोई मंदिर दिख रही है, वही है, हम वही जा रहे भाई. हाँ, अपन दूर से राइट के स्टार्ट में सोच के आ थी कि अपने को ना ये जगह जाने का, एंड देन फाइनली अबाउट टू रीच दैट प्लेस. ऐसे नहीं कि जब पहुंच गए, व्हेन यू आर अबाउट टू रीच दैट प्लेस ना, तब लगता है भारी, एकदम सरल भारी. ये क्या है, बनाया हुआ है. और पता है यहाँ से पूरा गोवा दिख रहा है राइट में भाई. ऐसे लोनावला का टाइगर हिल के टॉप पे आ जाते ना, वैसा लग रहा है कि टाइगर हिल पे कोई मंदिर हो. वाह, सबके सर पे देखो वो बैंड वाला हुआ है, माशेरा वाली वाला बैंड वाले थे ना अपन वैष्णो देवी चलने के टाइम पे, वो है. ये क्या जनरल क्यू एंट्री कूपन सेंटर, यहाँ से जनरल एंट्री है. मुझे नहीं पता एंट्री वेंट्री का कुछ, ये तो ये लोग को ही पता होगा कहाँ से जाने वाले क्या करने वाले अपन. हाँ, अपन भी लगाएंगे भाई बैंड, सर पे पट्टा बांध के चलेंगे, यहाँ पर ही मिलता है वो सब. यू हैव अराइव, हम लोग जा रहे हैं ऊपर पार्किंग करने के लिए बाइक. एकदम अंदर ना कैमरा अलाउड है नहीं, इसलिए अपन जो भी इसके बाद का व्लॉग है ना फोन में ही बनाने की कोशिश करने वाले हैं. ये लाइन से जा रहे हैं अपना, कुछ लाइन वाइन का क्या सीन है यहाँ पर? नहीं है यहाँ पर तो लाइन है नहीं, आगे ऊपर है, चल के जाना पड़ेगा दस पूरा पार्ट. ये देखो फ्री के खाने की लाइन यहाँ पर होता है. हम लोग ने ये वाली शॉप पे अपना हेलमेट भी रख दिया है एंड जूते पे यहाँ पर रख दिया भाई, थोड़ा सेफली कुछ भी चीज छोड़ने का ना ऐसे हार्ट बीट ऊपर नीचे होता है. तुमको पता है ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर लोग सुबह 3 बजे से लाइन लगा कर रुके हुए, तब जाके इनका आने वाला है. अच्छा ये लाइन है ना, ये लाइन है पूरी अंदर अंदर अंदर. कितना किलोमीटर का ये? एक दो किलोमीटर का पूरा लाइन रहेगा. अभी हम लोग मंदिर में एंट्री करने वाले ना, अभी तक हुआ नहीं है कुछ, कंफर्म होएगा दर्शन तब बताएंगे. फिलहाल के लिए यहाँ पर पैर धोना है, पूरा डिप करना है पैर पूरा नाइसली. ये लो पानी. हम लोग लाइन के अंदर आ गए, हम लोग लाइन के अंदर खड़े हैं, इसके अंदर फोन अलाउड नहीं, इसलिए फोन को डाटा बाय बाय करना पड़ेगा, बाकी कुछ थोड़ी बाहर नहीं. So
ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट लगा अपने को दर्शन करने के लिए। एंड 15 मिनट में दर्शन करके मैं बाहर आ गई। तो यहाँ पर है ना, लोग घंटों दिन दिन खड़े रहते हैं लाइन में दर्शन करने के लिए। अब यहाँ की खास बात क्या बताती हूँ, जब शिव जी ने तांडव किया था तब सती की जो योनि थी वो योनि आके यहाँ पर गिरी थी। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड एग्जैक्टली ये जो मंदिर है, ये मंदिर पूरा केव है, अंदर से पूरा अंधेरा रहता है। सीढ़ी से तुमको नीचे उतर के जाना पड़ता है, यहाँ से पूरा चल के जाती हो, सीढ़ी से तुम लोग नीचे उतरते हो। एंड वो केव है, एंड वो केव के एग्जैक्ट बीचों बीच वो योनि है। एंड योनि के आसपास ना पानी है, वो बोलते हैं कि सात समुद्र का पानी वहाँ पर होता है। एंड वो पानी को टच करने के लिए लोग कितना लंबा लाइन में खड़े होते हैं। एंड बहुत शुभ चीज़ होती है ये। आपने नसीब तो बहुत अच्छी देखी, हमने दर्शन कर लिए है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने पहले कामाख्या माता का दर्शन किया हुआ है, बट नाउ व्हेन आई रिकलेक्ट, मैं यहाँ तक आई थी बट मैंने कुछ चीज़ देखी और मैं यहाँ से वापस चली गई थी। वो सेम चीज़ मैंने आज ही देखा। तो यहाँ पर जब मंदिर के अंदर एंटर करे ना, तभी लेफ्ट एंड राइट पर ना ऑलरेडी काफ़ी लोग थे जो पूजा कर रहे थे। एंड वो पूजा, वो लोग दोष का पूजा करते हैं, मतलब अगर कोई भी दोष होता है ना, तो यहाँ पर ऐसे माना जाता है कि अगर तुम लोग बलि दे दो जानवरों की तो वो दोष खत्म हो जाता है। एंड वो चीज़ देख देख के, मतलब एंटायर लाइन में से आप में से पानी निकल रहे थे, क्योंकि मैं ना बकरियों का सर देख रही हूँ, उनकी सर रखा हुआ है। एंड लोग आसपास बैठे हुए उसके एंड पूजा कर रहे हैं। ऐसे कंटिन्यूस बहुत सारी चीज़ देख रही थी, फिर सडनली मैंने ऐसी चीज़ देखा जो मुझे देखना नहीं था। एंड आई हैड नो आइडिया कि ये यहाँ पर ऐसे कुछ होने वाला है। पता नहीं यार, मतलब मैं जब लाइन में खड़ी थी ना, मेरे पैर आगे बढ़ नहीं रहे थे, मुझे बिल्कुल मन नहीं था दर्शन करने का, मन ही नहीं कर रहा था अंदर जाऊँ। फिर जब वही होता है ना कि अगर माता ने बुलाया तो शायद दर्शन करना था, तो दर्शन हो गए। बट एंटायर लाइन आई वॉज ओनली क्राइंग, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स होते हैं लोगों के, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। ये वाली बात हम लोग कंटिन्यू करते हैं मेरे ब्लॉग में, फिलहाल के लिए ऐसे ही बता दें। बट यहाँ पर ना सारी बकरियों या जानवरों का बलि नहीं चढ़ाते, उनकी पूजा करके उनको छोड़ भी देते। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वाली जो बकरी है इसको छोड़ दिया है, इसको भी छोड़ दिया है पूजा करके। ये कबूतर को भी पूजा करके देखो, इनको भी छोड़ दिया है, इनकी बलि नहीं दी है। सो कोई भी जानवर की बलि चढ़ती है जो मैंने देख लिया, एंड कोई कोई नहीं चढ़ती। जो नहीं चढ़ती है उनको देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज छोटे छोटे से ना जानवर, लुक एट दिस, रियली स्मॉल लिल टाइनी टाइनी वंस, इन सबको छोड़ दिया है। अब ये देखकर मेरे को अच्छा लग रहा है। एंड छोड़ दिया ना एक बार तो इनको वापस पकड़ते नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। एंड जो योनि है वो एग्जैक्टली इसके बीचों बीच है, इसके अंदर है। दिस इज द केव, केव के अंदर एग्जैक्टली। हम लोग जो लाइन में चल के गए थे ना, वो अंदर की तरफ है, लाइन सीधा अंदर जाती है, इसके नीचे। अब निकल गए यहाँ से मंदिर के पास से। अब तुम लोग को एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पर ना, रुको पहले निकलते फिर बताते। वाह, वी हैव अ पिलियन। तो यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम होता है अंबुबासी मेला। एंड वो फेस्टिवल में ये मंदिर बंद होती है 3 दिन के लिए। इसलिए बंद होती है बिकॉज कामाख्या माता ब्लीड्स, मतलब उनको पीरियड्स होते हैं तभी के टाइम पे, 3 दिन के लिए। एंड वो जो पानी हम लोगों ने आज टच किया है ना, वो योनि के आसपास का पानी, वो पूरा रेड हो जाता है। प्लस वो सेम टाइम पे ना ब्रह्मपुत्र नदी भी बोलते कि पूरी रेड हो जाती है दिस 3 डेज। तो मंदिर बंद रहती है, मतलब बाहर से आप दर्शन कर सकते हो, बट अंदर जैसे आज हम लोग वो गुफा के अंदर गए थे ना एग्जैक्टली योनि के पास, वहाँ पर नहीं जा सकते। ये आ गया पूरा नाइस व्यू ऑफ गुवाहाटी। यार मैं बहुत रोई, बताया अंदर मैं कंटिन्यूस लाइन में सिर्फ रो ही रही थी वो देखकर। क्या होता है ना, मेरे से ये सब चीज़ें देखा नहीं जाता है। एंड नाउ आई रिमेंबर कि लास्ट टाइम मैं बाहर तक आई थी और मैं अंदर क्यों नहीं गई, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी एंड देख ली थी। एंड मैं रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या रीज़न था कि हम यहाँ तक आए और आगे नहीं गए। ये सब सोच सोच के ना, कोई नहीं, ये टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, मतलब इस पर बात करना। बट नहीं यार, मतलब जिस चीज़ का मैं एडवोकेट नहीं हूँ वो नहीं हूँ, एंड जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है वो नहीं है, भले दूसरों को पसंद आए वो चीज़। एंड पता नहीं ये कौन बोलता है कि माता लोग को बलि चढ़ाना ही चाहिए, ये कहाँ कहाँ, मतलब फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, मतलब छोड़ो भाई। इतने लोगों को पूछती हूँ ये सवाल जो बलि चढ़ाते हैं कि भाई तुम लोगों को कौन बोला है। हाँ है, फिक्शन वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें होती है, इन रियलिटी मतलब समझो ना, अगर तुम्हारे को दोष है तो तुम बलि चढ़ाओगे, हाँ, एंड वो दोष हट जाएगा। और ये भगवान बोल रहा है, वही भगवान जिसने इंसान और जानवर को दोनों को बनाया हुआ है। मतलब जानवर में कुछ दोष है तो वो इंसान की बलि चढ़ाना चाहिए, राइट? ऐसे देखा जाए तो, या तो इंसानों ने इंसान की बलि चढ़ाओ, मुक्का जानवर कुछ बोल नहीं सकता इसलिए तुम उसको मार दो। बहुत वियर्ड,
पढ़े लिखे लोग जब ऐसे करते हैं ना आज की दुनिया में, दिस सेंचुरी, पहले ज़माने में अगर करते समझ में आता था, दिस सेंचुरी दर्शन हो गए, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। बहुत नसीब लगते हैं दिस दर्शन होने के लिए, बट जो वो प्रोसेस था पूरा दर्शन का, वो नहीं अच्छा नहीं लगा मेरे को थोड़ा। लुक एट दिस, दिस इज़ ब्रह्मपुत्र, ये पूरा नदी है ब्रह्मपुत्र की, और इसके ऊपर सीलिंग जैसा ब्रिज बन रहा है अभी। अब मुंबई में वर्ल्ड सीलिंग है ना, वैसे ही इसके ऊपर ब्रिज बनने वाला है, कनेक्टिविटी पूरा। लास्ट टाइम जब मैं आई थी ना, तभी मैंने कामाख्या मंदिर और एक और मंदिर थी उमानंदा मंदिर, वो दोनों मंदिर करना था, बट कामाख्या मंदिर अगेन ड्यू टू द सेम रीज़न मैंने नहीं किया था। मैंने उमानंदा मंदिर किया था, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड के ना बीचों बीच है, उधर से बोट से जाना पड़ता है, ये जो बोट खड़ी है ना, वो बोट लेकर फेरी से फिर बीच में जाना पड़ता है, वहाँ पर मंदिर है, फिर वापस आने का। ये यहाँ से बोट का रास्ता है जौलपुर से वे टू श्री श्री जनार्दन दिवाल। यहाँ पर शुक्लेश्वर मंदिर भी है वैसे, एक बहुत सही ना कैफ़े था यहाँ पर, मेरे को मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज देखने पड़ेगी अभी वो कैफ़े का नाम निकालने के लिए। यार नॉर्थ ईस्ट की जो मेमोरी है ना मेरी, पूरी ऐसी लग रही है कि ब्रेन वॉश कर दिया, पूरा याद ही नहीं आ रहा है मेरे को। इतना बड़ा मैंशन देखो तो कैसल टाउन मैंशन, हेड आउट लगाती हूँ ताकि ईजी रहे। हम वापस निकल रहे एक्सप्लोर करने के लिए, रुद्र को कर लो टाटा बाय बाय, सी यू इन सम टाइम। रुद्र को लेके नहीं जा रहे क्योंकि हम जा रहे बीहू फेस्टिवल देखने के लिए। तुम लोगों को मैंने सुबह बताया था ना कि बीहू देखने जा रहे, और पिंकी ने मेरी मन की बात सुन ली, उसने बोला तुमको बीहू दिखाते करके। भगवान तो अभी जिस जो सुनता है वो भगवान होता है, और हम लोगों ने बहुत महंगा ड्राइवर बुलाया हुआ है। ड्राइवर बहुत महंगा वाला ड्राइवर हम लोग ने आज बुक किया है, ओला ऊबर देखो महंगी वाली लिमोजिन लेकर आया है। पेमेंट मिला नहीं, पहले गाड़ी पहुंचा तो सही डेस्टिनेशन पे, फिर पेमेंट कल का मांग रहा हूँ, आज का नहीं। कल कोलैबोरेशन में निपटा दिया हमने। रेटिंग दीजिएगा 5 स्टार। डन है ब्रोंजो भाई, हेलो। आज है गुड डे, बिकॉज आज खाने वाले हम लोग घर का खाना, घर का बना हुआ राइस दाल, ये बनाया विकास की मम्मी ने, माता जी इन्होंने सब कुछ बनाया हुआ पकवान। पता कितने बजे खाना खा रहे हम लोग, ये देखो इट्स 4 o'clock, 4 बजे। कल जो खाना खाया ना मैंने दोपहर को, उसके बाद से कुछ नहीं खाया, 24 hours फास्टिंग चल रहा है अपना, फिर अब भी खाना खाने के बाद थोड़ी सी वर्कआउट हो रही है ब्रॉन्जो के साथ। ब्रॉन्जो बोहा 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 आयो बोहा मतलब सिट उधर, रेडी तो फिच बॉल लाके दे रहा है ब्राउन पेड़ा। पूरे घर में हम लोग भागम दौड़ी कर रहे थे खाली, वी प्लेइंग फेच फेच। अब ब्रॉन्जो भाई, ब्रॉन्जो लुक्स लाइक ब्राउन पेड़ा, लिटिल ब्राउन पेड़ा। ब्रॉन्जो मैं ले लूँ? ले लूँ क्या? अच्छा। पहले ही बता देती हूँ एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बीयू फेस्टिवल नहीं गई क्योंकि हिम्मत ही नहीं बची थी मेरे में जाने की। घर पे विकास की मम्मी ने इतना अच्छा खाना खिला दिया था, एंड राइस, एंड तुम लोगों को पता है राइस खाने के बाद इंसान बहुत ज़्यादा लेजी हो जाता है। प्लस मैं सुबह 5 बजे से उठी हूँ ना, तो मेरे को नहीं हुआ एक्सप्लोर करने को। बट बीयू फेस्टिवल 1 महीना चलता है, तो जब मैं वापस आऊँगी यहाँ पर तवांग करके, तब हम बीयू फेस्टिवल एक्सप्लोर कर देंगे। जब मैंने प्रॉमिस किया है कि दिखाऊँगी तो दिखाऊंगी, अब वो कब दिखाएंगे वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है यार। राइड पे ना चीज़ें जो प्लान करते हैं ना वो होती नहीं है, अनप्लान चीज़ें ही होती है। फिलहाल के लिए जो है मैंने सारा सामान देखो कैसे बेड पे रख दिया है, जो जो मुझे लेके जाना है वो सामान मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, एंड एक ही बैग अपनी वहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है, और ये कुछ रेनकोट है, क्योंकि जो बाकी का सामान है मैंने वापस जाके विकास के घर पे रख दिया, क्योंकि वो सारा सामान ना तवांग लेके जाने की मुझे एज सच जरूरत नहीं लग रही है, इसलिए उसको नहीं लेके जाने वाले। बस यही जो छोटा मोटा सामान है यही अपन लेके जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। ऑल्सो तवांग जाके आना तो वापस यहीं पे है, फिर जहाँ पे भी जाना हो तो यहीं से क्रॉस होके जाना है, इसीलिए ये डिसाइड किया था। तो कल की राइड पे अपने पास एक टॉप बॉक्स रहेगा, एक टेल बैग, एक टैंक बैग, दैट्स इट, वेरी मिनिमम क्लोथ्स। ठंडी के कपड़े लेके जा रहे हैं, समर के कोई कपड़े नहीं, कोई एक्स्ट्रा जूते, कोई पाउडर मेकअप वेकअप कुछ नहीं, सारी एक पाउडर छोटी सी डब्बी हम लेके जा रहे हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, एज ऑलवेज दिस इज राइड गर्ल शगा साइनिंग अप, ब्रिंगिंग ऑल टू यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। आज थोड़ा चिलोस वाला दिन था, रोना धोना हुआ, हैप्पी मोमेंट्स भी है, घर का खाना भी खाने को मिला। आज का व्लॉग ना इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन कीप काम एंड गिव अ टक मोर पार्ट टू अस, प्लीज एक लाइक भी कर देना व्लॉग को, बाय। यूज़ नहीं किया, ऐसे ही ठंडे पानी से नहाया, अभी तक बाल गिल लिए, और ऐसे ही हेलमेट पे बैठने वाली हूँ मैं, सॉरी हेलमेट पे नहीं, ऐसी बाइक पे बैठने वाली हूँ मैं।